दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के एक ऐसे बेहतरीन फीचर के बारे में जिसका नाम है पेरोल। पेरोल की मदद से जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी डिटेल्स को मैनेज करती हैं, यानी किस एम्प्लॉय को डी ए टी ए एच आर ए प्रोवाइड करना है, ESI देना है, रिम्बर्समेंट देना है या फिर PF डिटेक्शन करना है, ये सभी डिटेल्स वो आसानी से पेरोल के अंदर मैनेज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई यहाँ पर एबसेंट होता है तो उसका डिटेक्शन किस तरीके से किया जाता है वो भी आप इसके अंदर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाता है आपकी कंपनी के अंदर, तो उस ओवर टाइम को आप किस तरीके से कैलकुलेट करके उसकी सैलरी को यहाँ पर आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं और उसको सैलरी स्लिप में एडजस्ट कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आप आसानी से पेरोल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को बना सकते हैं। आइए अब हम इसे प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। तो दोस्तों पेरोल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, हम कंपनी का नाम ही पेरोल रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। मेलिंग नेम में आपको यहाँ पर सेम नेम रहने देना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर हमने स्टेट को सेलेक्ट किया, कंट्री अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। पिन कोड यहाँ पर आपको अपना टाइप करना है। एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर टाइप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कंपनी में फैक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर फैक्स नंबर टाइप कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का ईमेल आईडी फिल करना है। तो रैंडमली हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट डालनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में यहाँ पर आपको सेम डेट रखते हुए यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आपको एंटर करके पेरोल वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आप इसे कंट्रोल ए की मदद से सेव कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन पेरोल का, आपको यहाँ पर इसे यस करना है और इसके बाद यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ से आना है क्रिएट वाले सेक्शन पर और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरोल मास्टर्स के नाम से हमारे सामने यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय ग्रुप का। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की हुई है जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी मंथली सैलरी, लीव और ओवरटाइम हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और इस पेरोल के अंदर हम किन किन चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, जैसे बेसिक सैलरी, ड्यूनेस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ESI, रिम्बर्समेंट, लीव, ओवरटाइम और बोनस। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पेरोल में मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय ग्रुप। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे दो तरह के एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है मार्केट डिपार्टमेंट और दूसरा यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्केट डिपार्टमेंट को ले लेते हैं। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया मार्केट डिपार्टमेंट और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर करके इसे प्राइमरी में रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हम सेल्स डिपार्टमेंट को रखते हुए यहाँ पर इसे भी अंडर ऑफ प्राइमरी देते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। डिफाइन सैलरी डिटेल को फिलहाल अभी हम यहाँ पर नो रहने देंगे और इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। स्कैप करके हम लोग बाहर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। एम्प्लॉय को अभी हम यहाँ पर स्किप करेंगे, एम्प्लॉय को हम यहाँ पर बाद में क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट करने वाले हैं। तो यूनिट के लिए आपको यूनिट ऑफ वर्क में एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है MIN यानी मिनट्स और यहाँ पर आपको उसका फॉर्मल नेम यानी फुल फॉर्म लिख देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर HRS के नाम से एक सिंबल क्रिएट करना है और यहाँ पर उसका फॉर्मल नेम फुल फॉर्म यहाँ पर टाइप कर देना है। आवर्स लिखते हुए, नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैकस्पेस प्रेस करना है। यहाँ पर आपको सिंपल की जगह कंपाउंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आवर्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये बेसिकली हमारा इस्तेमाल किया जाएगा ओवर टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इसे यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे लीव और उसके बाद इसे एंटर करके अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए यहाँ पर हमें लेना है लीव विदाउट पे, यानी जब भी कोई एम्प्लॉई हमारा लीव पर जाए तो उसको सैलरी यहाँ पर
ना दिया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर लीव विदाउट पे को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर टाइप करेंगे ओवर टाइम, और उसके बाद यहाँ पर इसे अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए यहाँ पर ओवर टाइम को प्रोडक्शन में रखते हुए हम यहाँ पर इसे आवर्स ऑफ 60 मिनट सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय हमारा घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा ओवर टाइम करे तो उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड हो, इसलिए हम यहाँ पर आवर्स ऑफ 60 मिनट सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर पेहेड्स क्रिएट करना है, तो पेहेड्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर पेहेड वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको पेहेड्स क्रिएट करना है। सबसे पहला पेहेड हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं बेसिक सैलरी का। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेहेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉई आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इसी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉयज की अर्निंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इनकम टाइप दिखाई दे रहा है। इनकम टाइप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो तरीके का दिखाई दे रहा है। सबसे पहला इनकम टाइप है फिक्स और दूसरा है वेरिएबल। तो फिक्स का आपका यहाँ पर मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं और ज्वाइनिंग करते समय आपको बताया जाता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो इतनी होगी, तो वो सैलरी आपकी फिक्स होती है। अगर आप दिहाड़ी के हिसाब से किसी को पैसा प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर आपको इसे वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे फिक्स रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कि ये कंपनी का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा कैलकुलेशन टाइप का। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन टाइप में एज यूजर डिफाइन वैल्यू को सेलेक्ट करना है, ताकि यूजर बताए कि इस बंदे की बेसिक सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर हम एज यूजर डिफाइन रखते हुए इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पहला पेहेड यहाँ पर बेसिक सैलरी का क्रिएट कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा पेहेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएनएस अलाउंस यानी डीए है। तो यहाँ पर हम डीए को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है डीए, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। डीए भी बेसिकली एक तरीके से एम्प्लॉयज की अर्निंग होती है। तो यहाँ पर हमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पर आपको इसे फिक्स रखते हुए एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको कंपनी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर टाइप ऑफ कैलकुलेशन के अंदर एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करना है। ये क्यों सेलेक्ट करना है अभी हम आगे सीखने वाले हैं। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको राउंडिंग मेथड दिखाई दे रहा है। तो राउंडिंग मेथड में हम यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करते हुए लिमिट में 1 देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए डीए में हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 10 रुपए 10 पैसे, तो 10 पैसों को यहाँ पर ये राउंड फिगर कर दे यानी 0 रुपए में कन्वर्ट कर दे, और अगर यहाँ पर 10 रुपए 51 पैसे होते हैं तो यहाँ पर 10 रुपए की जगह 11 रुपए यानी राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए हम यहाँ पर राउंडिंग मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जो भी हमारी टोटल वैल्यू है उस वैल्यू के पॉइंट के बाद यानी डेसिमल प्लेस में अगर कोई वैल्यू हमारी 50 पैसे से ऊपर आती है तो उसको ये 1 रुपए रखे, और अगर 50 पैसे से नीचे आती है तो उसे ये 0 फिगर में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए हम यहाँ पर राउंडिंग मेथड को यहाँ पर 1 रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कंपोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको 4 मेथड्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप अपने इस डीए को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पर डीए को डिफाइन करेंगे कि हम कितने परसेंट इस पर्सन को डीए देना चाहते हैं या कितनी वैल्यू का डीए हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से एक फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने लिस्ट ऑफ पे हेड्स का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर ही हम डीए को डिफाइन करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने इफेक्टिव फ्रॉम यानी डेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हम जो भी यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं वो इस डेट से अप्लाई होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट अप टू का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हम एक अमाउंट टाइप करते हैं लाइक 35,000। इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 रुपए तक की अगर किसी की भी बेसिक सैलरी होगी तो उसके ऊपर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्लैब टाइप में आपको 2 टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला टाइप आपको परसेंटेज का दिखाई दे रहा है, और दूसरा टाइप आपको यहाँ पर वैल्यू का दिखाई दे रहा है। यानी आप यहाँ पर 2 तरीके से इस फॉर्मूले को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करते हुए पहले एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमने ले लिया 10%।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए तक होगी तो उसको 10% का यहाँ पर डीए दिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट ग्रेटर देन, यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए से ऊपर होगी तो उसको यहाँ पर मान लीजिए कंपनी जो है वो 20% का यहाँ पर डीए प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डीए को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं टीए को, तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से एम्प्लॉय की अर्निंग ही होती है। इसके बाद यहाँ पर आप फिक्स या वेरिएबल अपने हिसाब से या अपनी कंपनी के बेस पर यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिक्स सेलेक्ट करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम वापस से कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करते हुए नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए लिमिट्स को 1 रखते हुए हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला को फिर से सेलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर टीए को भी बेसिक सैलरी के ऊपर ही बेस्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेम डेट को रखते हुए यहाँ पर हम वैल्यू टाइप करेंगे, लाइक हमने वापस से 35,000 यहाँ पर टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज के बारे में सब कुछ समझा दिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू को लेते हुए चलते हैं। तो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए तक होगी तो यहाँ पर हम एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 1,000 रुपीज कि उसको 1,000 रुपए का ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट ग्रेटर देन यानी 35,000 से अगर ऊपर किसी की बेसिक सैलरी होगी तो यहाँ पर उसे जो वैल्यू मिलेगी वो 2,000 रुपए का ट्रैवलिंग अलाउंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों तरीके से यानी दोनों स्लैब बेस रेट के हिसाब से यहाँ पर अपने वैल्यू को परसेंटेज या फिर वैल्यू में यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डीए और टीए बना दिया है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर एचआरए क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने हाउस रेंट अलाउंस को एंटर करते हुए यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिया, यहाँ पर आपको फिक्स रखते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है और यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रखते हुए यहाँ पर भी आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट लेना है, अमाउंट यहाँ पर आप डाल दीजिए लाइक हमने डाल दिया 35,000, परसेंटेज में मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया 5% और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए हमने यहाँ पर डाल दिया 10% और उसके बाद यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों डीए टीए एचआरए हमारा बन चुका है। तो इसके बाद हम बनाने वाले हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और इसके बाद यहाँ पर हम इसे एंटर करके पे हेड टाइप के अंदर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा पीएफ होता है यानी प्रोविडेंट फंड होता है वो हर महीने आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ पेहेड्स के अंदर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है करंट लायबिलिटीज और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको सेम वही ऑप्शन वापस से सेलेक्ट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 नॉन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी यानी ये भी हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर बेस्ड होगा, एंड ऑफ लिस्ट अमाउंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो हम सेम अमाउंट को यहाँ पर रखेंगे, परसेंटेज में मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया 15% और यहाँ पर हमने दे दिया 20% और उसके बाद यहाँ पर एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो हम यहाँ पर नया पे हेड बनाने वाले हैं वो है ESI। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और उसके बाद यहाँ पर पे हेड टाइप के अंदर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस और यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसे इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ESI का कुछ परसेंटेज कंपनी प्रोवाइड करती है और कुछ परसेंटेज यहाँ पर एम्प्लॉय को भी अपनी बेसिक सैलरी में से प्रोवाइड करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें इसे नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए लिमिट 1 रखना है, एंटर प्रेस करके इसको सेव करना है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए बेसिक सैलरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट आपको फिल करना है लाइक हमने डाल दिया 35,000 और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। परसेंटेज में आप यहाँ पर जो भी परसेंट देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मान लीजिए 0.75% ले लेते हैं और इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हमने 3.5% लेते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ESI का पेहेड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का पेहेड हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। रिम्बर्समेंट होता क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों जब भी कोई एम्प्लॉय अपने बिहाफ पे यानी अपनी जेब से कोई भी खर्चा कंपनी के एक्सपेंस के लिए करता है तो वहाँ पर उसे रिम्बर्समेंट कहा जाता है और जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी जेब से कंपनी के लिए कोई भी पैसा खर्च करता है तो उसे वो बेसिक सैलरी के साथ रिटर्न कर दिया जाता है जिसे रिम्बर्समेंट कहा जाता है।
हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम पेहेड टाइप्स के अंदर रिबर्समेंट टू एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम इसे वेरिएबल रखेंगे क्योंकि कभी भी ये चीज़ फिक्स नहीं होती कि एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पर हम इसे वेरिएबल रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे, कंपनी का इसे डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप के अंदर हमें यहाँ पर एज यूजर डिफाइन वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रिइंबर्समेंट का भी पेहेड क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेहेड है वो यहाँ पर बोनस है, तो हम यहाँ पर बोनस क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखते हुए यहाँ पर इसे वेरिएबल रखेंगे क्योंकि बोनस अमाउंट कभी भी फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर हम वेरिएबल रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। कंपनी का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन टाइप में हमें यहाँ पर इसे एज यूजर डिफाइन वैल्यू ही रखना है क्योंकि हम यहाँ पर खुद चाहते हैं बोनस का अमाउंट फिल करना। तो यहाँ पर हम इसे एज यूजर डिफाइन वैल्यू रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पेहेड जो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं वो यहाँ पर क्रिएट करने वाले लीव का एंटर प्रेस करेंगे और इसे अंडर ऑफ डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय डालेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉयज की डिटेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लीव को इनकम डायरेक्ट में रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर करके हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑन अटेंडेंस और एंटर प्रेस करते आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर लीव का एक लेजर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसे हमने अंडर ऑफ प्राइमरी रखा था। यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन पीरियड में हम यहाँ पर मंथ दे सकते हैं, फोर्टनाइट दे सकते हैं, मंथ दे सकते हैं या फिर वीक दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल डेज को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे कि जितने भी दिन से ये पर्सन हमारा लीव पर जाए उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पर डिडक्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर डेज को लेते हुए नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ओवरटाइम बना लेते हैं। ओवरटाइम का पेहेड बनाने के बाद हम इसे यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखेंगे क्योंकि ओवरटाइम जब भी कोई एम्प्लॉय हमारा लगाएगा तो उसको यहाँ पर अर्निंग होगी और उसके बाद यहाँ पर हम इसे वेरिएबल रखेंगे क्योंकि ओवरटाइम का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर ओवरटाइम को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको कंपनी का इसे डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए एंटर प्रेस करना है। एंटर करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रोडक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है यानी इस पर आपको सेलेक्ट करना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ओवरटाइम का जो लेजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो हमें यहाँ पर ओवरटाइम को सिलेक्ट करते हुए नॉट एप्लीकेबल रखते हुए और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 10 पेहेड्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर और यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फिल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला एम्प्लॉय है वो यहाँ पर मोहन कुमार है। तो यहाँ पर हम मोहन कुमार का नाम टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने दो ग्रुप्स तैयार किए थे, मार्केट डिपार्टमेंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट्स के। तो हम यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में इसको रखना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मोहन कुमार है यहाँ पर मार्केट डिपार्टमेंट का पर्सन है। तो यहाँ पर हम इसे मार्केट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी इस पर्सन की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सेम डेट रहने देते हैं और यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन सैलरी डिटेल का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो मोहन कुमार की सैलरी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नो रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयज की सभी डिटेल्स को फिल कर लेना है, जैसे उसका एम्प्लॉय नंबर हो गया, उसके डेजिग्नेशन हो गया, फंक्शन हो गया, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप्स, मदर, फादर्स नेम, स्पोज यानी उसकी वाइफ का नाम और एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स हम फटाफट यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम डेजिग्नेशन में मान लीजिए हम डाल देते हैं मैनेजर, एंटर प्रेस करते हुए फंक्शन में मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं मैनेजिंग, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। लोकेशन में हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक संत नगर, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको इसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेल सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। डेट को फिलहाल हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉई का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम बी पॉजिटिव को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको उसके फादर्स का या मदर्स का नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हमने उसके फादर का नाम टाइप कर दिया है। स्पोज नेम में मान लीजिए उसकी वाइफ का नाम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉय का फोन नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉय का ईमेल आईडी डाल देना है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड बैंक डिटेल्स का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा।
तो यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ की बैंक डिटेल्स को फिल करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके जो भी अमाउंट हो वो उसके बैंक अकाउंट में सीधे पहुँच जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे यस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको उसके बैंक अकाउंट का नंबर टाइप कर देना है। तो रेंडमली हमने यहाँ पर एक नंबर टाइप कर दिया है। यहाँ पर आपको उसका IFSC कोड डाल देना है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर बैंक नेम आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम न्यू बैंक को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर उसके बैंक का नाम टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। ब्रांच नेम में आप यहाँ पर उसके ब्रांच का नाम डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। ट्रांजेक्शन टाइप में आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ई फंड ट्रांसफर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पर बाई डिफॉल्ट फिल हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें इसे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर बैंक का नेम वापस से टाइप कर लेना है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी बैंक का। तो यहाँ पर आपको अपना कंपनी का बैंक सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम इसे ऑल आइटम्स को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। बेनिफिशरी कोड डालेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हम उसका एम्प्लॉय कोड डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉई का पैन नंबर डालना है। रैंडमली हमने यहाँ पर एक नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉई का आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो यहाँ पर रैंडमली हमने एक नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉई का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम रैंडमली एक नंबर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉई का PF नंबर डाल देना है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको प्रान नंबर फिल करना है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉई का ESI नंबर डाल देना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ये सभी फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपका जो दूसरा एम्प्लॉई है दीपक सिंह, इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन को हम फटाफट यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अल्टर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और नीचे की तरफ जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा डिफाइंड सैलरी का। आपको इसको सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप और एम्प्लॉय दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें सैलरी को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर ग्रुप की सैलरी डिफाइन करने वाले हैं। हम यहाँ से मार्केट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम के अंदर हम यहाँ पर 1/7 को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए हमने बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लिया, बोनस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने DA सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ESI सेलेक्ट कर लिया, HRA, लीव में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने रुपए के हिसाब से लीव डिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 500 टाइप करते हुए एंटर प्रेस कर दिया। ओवर टाइम को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर 200 rupees टाइप कर देते हैं कि अगर कोई पर्सन ओवर टाइम लगाता है तो पर घंटे के हिसाब से उसको 200 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इसे सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। PF को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, रिमबर्समेंट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और TA को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जिस भी एम्प्लॉय को जो भी चीज़ देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर चाहें तो एम्प्लॉय वाइज भी आप यहाँ पर सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज भी सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मार्केट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, डेट डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट टाइप का और इसमें आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप या फिर स्टार्ट अफ्रेश। यानी यहाँ पर अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट को अलग से सैलरी डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टार्ट अफ्रेश को और अगर आप चाहते हैं कि जो सैलरी डिफाइन आपने यहाँ पर मार्केट डिपार्टमेंट के लिए किया है सेम वही आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, मार्केट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी डिटेल्स जो हमने मार्केट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हम एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ पर भी उसे डायरेक्टली इसी तरीके से एंटर प्रेस करके इसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ग्रुप वाइज सैलरी डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हम स्कैप करके बाहर आने वाले हैं और इसके बाद एक बार मैं आपको दिखा देना चाहूँगा एम्प्लॉयज के अंदर जा करके हम यहाँ पर एम्प्लॉय पर जा करके एक बार एंटर प्रेस करेंगे। मोहन को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिफाइन सैलरी डिटेल का, यस करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल इसकी सैलरी यहाँ पर डिफाइन नहीं है क्योंकि हमने अभी जो डिफाइन किया है वो ग्रुप वाइज सैलरी डिफाइन की है। तो यहाँ पर हम इसे 1
7 सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी सैलरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आप चाहें तो कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से दीपक सिंह की भी हम यहाँ पर सैलरी को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर इसे हम यस करेंगे, यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए मार्केट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए करके इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी सैलरी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे वाउचर्स के अंदर, वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है F10। F10 सेल जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अटेंडेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। अब हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस डिटेल्स को डिफाइन करने वाले हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हुए यहाँ पर डेट दे देते हैं 1/7 और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से मान लीजिए हमने दीपक सिंह को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने बताया कि इसका जो लीव था वो मान लीजिए यहाँ पर इसने 3 डेज का लीव लिया है और यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। दीपक सिंह ने जो टोटल ओवर टाइम यहाँ पर लगाया है वो मान लीजिए हमने यहाँ पर 45 आवर्स का यहाँ पर ओवर टाइम सेट कर दिया है। इसी तरीके से मोहन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसका जो लीव पीरियड है वो यहाँ पर हम मान लीजिए 5 दिन का रख लेते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर मोहन का ओवर टाइम यहाँ पर 55 आवर्स का सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम इसकी अटेंडेंस डिटेल्स को डिफाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अटेंडेंस डिफाइन कर दिया है, अब हमें यहाँ पर सैलरी बनानी है। तो सैलरी बनाने के लिए वापस से आपको अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है, यहाँ से आपको पेरोल को सिलेक्ट करना है या फिर आप चाहें तो कंट्रोल प्लस F4 की मदद से भी डायरेक्टली पेरोल को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+F। कंट्रोल प्लस एफ जैसे आप यहां पर प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने ऑटोफिल के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहां पर आपको पेरोल ऑटोफिल को सेलेक्ट करते हुए यहां पर एंटर प्रेस करना है। प्रोसेस 4 में आपको फिलहाल यहां पर सबसे पहले यूजर डिफाइन रखना है क्योंकि अभी हमने सैलरी यहां पर बताई नहीं है कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, तो यहां पर हमें यूजर डिफाइन को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी यहां पर बन रही है वो 1/7/2024 से 31/7/2024 की बन रही है। यहां पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, यानी आप यहां पर प्रॉपर किसकी सैलरी क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहां पर अगर आप चाहें तो किसी एक पर्सन की भी सैलरी यहां पर बना सकते हैं, तो फिलहाल हम यहां पर सभी की बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहां पर ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करते हुए यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं सॉर्ट बाय का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आप अपने एम्प्लॉयज का शॉर्टिंग कैसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहां पर या तो एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय नंबर्स को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर एम्प्लॉय नंबर ओनली को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो पेमेंट मोड होगा वो क्या होगा। फिलहाल हम यहां पर कैश को रखते हुए एंटर प्रेस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं इंक्लूड एम्प्लॉय हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल्स, इसे हम यहां पर यस रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको दोनों ही पर्सन आपको यहां पर दिखाई देंगे, मोहन कुमार और दीपक सिंह, इनकी हमें यहां पर बेसिक सैलरी बतानी है। तो मान लीजिए हम यहां पर मोहन की जो सैलरी है वो यहां पर 45,000 रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें यहां पर बोनस बताना होगा कि हम मोहन को बोनस कितना दे रहे हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हमने यहां पर 1,000 रुपीज सेलेक्ट कर लिया है बोनस के नाम से और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं रिम्बर्समेंट यानी मोहन ने अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर हम अपना रिम्बर्समेंट अमाउंट टाइप कर देते हैं, मान लीजिए 500 हमने यहाँ पर रिम्बर्समेंट टाइप करते हुए एंटर प्रेस कर दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दीपक की सैलरी डिफाइन करते हैं 35,000 एंटर प्रेस करेंगे। बोनस में हमने मान लीजिए 500 रुपये ले लिया, रिम्बर्समेंट में हमने 200 रुपये ले लिया और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिलहाल सैलरी डिफाइन की है, अब इसके बाद हम इसकी पूरी सैलरी यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है, पेरोल ऑटोफिल को वापस से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर यूजर डिफाइन की जगह आपको यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। एंटर करके यहाँ पर शॉर्टिंग नेम में एम्प्लॉई नंबर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर मोड आपको कैश रखना है, यहाँ पर इसे एंटर करके आप जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट की गई है। अब हम यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपको हम यहाँ पर पे स्लिप ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सैलरी बना ली है, इसके बाद यहाँ पर स्कैप करके हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आपको यहां से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहां पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा पेरोल रिपोर्ट्स का, तो हमें आना है पेरोल रिपोर्ट्स के अंदर। यहां पर आपको दिखाई देगा पे स्लिप का एक ऑप्शन, तो यहां पर हम पे स्लिप को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसकी सैलरी देखना चाहते हैं। अगर आप यहां पर ऑल आइटम्स को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सभी की सैलरी एक एक करके आपको यहां पर दिखाई दे रही है।
हम यहाँ पर स्कैप करके फिलहाल बाहर आने वाले हैं। हम यहाँ पर मोहन कुमार की सैलरी स्लिप ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मोहन कुमार को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहन कुमार की सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं उसकी पर्सनल एंड बैंकिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अटेंडेंस डिटेल्स के अंदर दो चीजें हमारी यहाँ पर है जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है। लीव में 5 दिन का लीव मोहन ने लिया था जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओवर टाइम में आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 घंटे का इसने ओवर टाइम अलग से लगाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी हम यहाँ पर 45,000 रुपये हमने डिफाइन की थी। बोनस यहाँ पर हमने 1,000 रुपये दिया था। डीए बेसिक सैलरी के हिसाब से जो हमने यहाँ पर परसेंटेज लगाया था उसके हिसाब से यहाँ पर 9,000 रुपये कैलकुलेट होकर के आ चुका है। इसी तरीके से एचआरए ओवर टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,000 रुपये का ओवर टाइम अमाउंट बना है। रिम्बर्समेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये का हमने रिम्बर्समेंट यहाँ पर डाला था। पीए आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर एज कम्पिटेड वैल्यू के हिसाब से हमने यहाँ पर सेटअप किया था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है। टोटल अर्निंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 73,000 का आपका टोटल अर्निंग इस एम्प्लॉय की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी भी आप 73,000 यहाँ पर देख सकते हैं। डिडक्शंस के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव और पीएफ आपको यहाँ पर डिडक्ट दिखाई दे रहा है, यानी इतना पैसा आपका यहाँ से ग्रॉस सैलरी में से काट करके आपको जो टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 61,500 रुपये का अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पीएफ अमाउंट है वो आपका ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर प्लस करके आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो टोटल सैलरी यानी नेट सैलरी जो बनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 64,000 रुपये आपकी नेट सैलरी यहाँ पर बनी है। अब इसके बाद आप इसका प्रिंटआउट अगर लेना चाहते हैं पे स्लिप का तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ पी, और ऑल्ट पी प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं करंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर आना है। अगर आप प्रिंट लेना चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रीव्यू करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोहन का पे स्लिप तैयार हो चुका है। सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज का पेरोल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।